तो गाइस यार आज के एपिसोड में यार मुझे बढ़ानी है मेरी पंच की पावर। अब तुम सोच रहे होगे कि फ्रेंकी ने अपनी पंच की पावर को बढ़ा के क्या करेगा, देख भाई कितना ज्यादा स्ट्रांग है तू, एक ही पंच में तो सब लोगों को मार दे रहा है। पर गाइस देखो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक बहुत ही जल्दी रीजन जिसके लिए मुझे चाहिए एक पंच की पावर। ये देखो यार ये आसमान में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यार मेरे सबसे प्यारे और सबके चहेते यार सेवन हेड वाले दद्दू हल्का आए हुए। अब तुम बोल रहे यार इनके तो 1 2 3 4 चार ही हेड है, पर यार चार हेड पीछे भी तो है दद्दू के, देखो चार नहीं तीन हेड है पर देखो तो सरी। हाँ तो देखो ये दद्दू हल्क ने यहाँ पे रखा हुआ एक हल्का खतरनाक पंचिंग वाला कॉम्पिटिशन। इसमें देखो यार सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे और एकदम हल्के हल्के व्हीकल्स और उसके बीच बीच में थोड़े थोड़े रिवॉर्ड भी है। पर यार जिसके पास भी इतनी ज्यादा पावर होगी कि ये सारे व्हीकल्स को पंच करके धक्का मार के रास्ते से साइड में हटा देगा उसको मिलेगा यार देखो इतना सारा हल्क का सोना डायमंड चांदी जादू टोना और यार और तो और उसके साथ साथ उसको मौका मिलेगा इनमें से एक खतरनाक जायंट हल्क में कन्वर्ट होने का मौका। अब तुम्हें पता है यार मैं एक भी ना जायंट हल्क में कन्वर्ट होने का मौका छोड़ता नहीं हूँ, इसके लिए यार मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जाने वाला हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए बहुत ही तगड़ी पंच की पावर। पर गाइस पंच की पावर से भी ज्यादा मुझे एक चीज चाहिए, उसका नाम है तुम्हारे लाइक। यार तुम जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में यार मुझे लिख देना फ्रैंकलिन की पंच की पावर तुम्हें क्या लगता है 200 के बीच में कितनी है, और यार तुम्हारी पंच की पावर कितनी है, क्या तुम्हें जोर से पंच मारना आता, अगर तुम्हें जोर से पंच मारना आता तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बच्चे यस लिखेंगे। तो आओ चलो जल्दी से दद्दू हल्के के पास कंपटीशन में चलते अपनी पंच की पावर को टेस्ट करने। तुम देख ही सकते हो और यहाँ पे तो मेरी पंच की पावर बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो चलो मैं चलता हूँ यहाँ पे ऊपर दद्दू हल्के के पास। ओके गाइस तो देखो यहाँ पे उड़ता उड़ता पंच की तरह आ गया। ओए फ्रैंकलिन पत्थर आ गए क्या? अरे हाँ दद्दू हल्क बिल्कुल आ गया, देखो तो सर यार यहाँ पे कितने सारे जायंट हल्क भी आए हुए। ओए पत्थर जी मुझे तो लगता है यार कि तू एक दो साइकिल के अलावा कुछ भी चीज को पंच नहीं मार पाएगा। अरे दद्दू हल्क ये कैसी मोटिवेशन हुई? अरे हाँ ये कीड़ा है, कीड़ा एकदम छोटा कीड़ा है। अबे टाइटन हल्क तुम तो बोलो ही मत, तुमसे बड़ा तो यार ये 11 हेड वाला अल्टीमेट हल्क है, और यहाँ पे 6 आर्म वाला रिवेंजर भी है, और यार ये कूल वाला दबंग हल्क भी है। भाई ये लोग के होते हुए तुम लोग कैसे मुझे कीड़ा बोल सकते हो? अरे वो कीड़ा नहीं बोल सकते तो हम तो कीड़ा बोल सकते हैं ना। अरे हाँ कीड़ा है कीड़ा। अरे ब्लैक रिवेंजर तो चुप ही रहे, ब्रश भी नहीं करता है। गाइस देखो यार ये सब लोग को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे पक्का पता है मैं कर लूंगा ये दद्दू हल्क। चलो कॉम्पिटिशन को शुरू करूँ क्या? ओए पत्थर जी हाँ चलो शुरू करो। देखो यार यहाँ पे स्टॉप पे तो इस दरख्त पे लगा रखा है, तो गाइस देखो मुझे मेरी पंच की पावर टेस्ट करनी। ये देखो यार ये साइकिल को तो मैंने गिरा दिया। ओए पत्थर जी वेरी वेल। और ये देखो दूसरी साइकिल को भी गिरा दिया। क्या खतरनाक पंचर हुआ यार मैं, फ्रैंकलिन द पंचर नाम रख देता हूँ मेरा। पंचर नहीं मतलब पंचर तो मतलब बाइक के पंचर होते, पर गाइस देखो ये सबको तो मैं लाइन से गिराता जा रहा हूँ। क्या मजा रहा। और ये देखो पहला मैंने यार $10,000 का रिवॉर्ड तो जीत भी लिया है। जल्दी से इसी बात के लिए फ्रैंकलिन को वीडियो के लिए लाइक कर दो, और देखो कितने सारे पैसे पड़े यार यहाँ पे, एक एक डॉलर के 10,000 नोट है। चलो अभी गाइस देखो और मैं मेरी पावर दिखाता हूँ ये छोटी गाड़ी को पंच करके। कीड़ा ये देखा सिर्फ बाइकों को गिरा पा रहा था, उनके दो पहिए थे ना, इसको हटा के बताना तेरे पास पावर हो तो। अरे नहीं 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 हटा दूंगा गाइस, रुक जा यार मेरे को है ना झुक के करने दो यार यहाँ पे। अरे उठ जा। अरे नहीं यार मम्मी ने कल कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, रुक जाओ यार क्या करूँ गाइस, यार मेरे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि यार मैं है ना ये वाली गाड़ी को पंच मार के हटा सकूं। ए कीड़े बुलाई था यहाँ से चला जा। हे, सही बोला था, एकदम कमजोर है फ्रैंकलिन तो सबसे कमजोर। ये देखो इसका तो पंच मीटर भी खाली है। ए कीड़े बोल रहे थे ना हम तो तेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, मैं तो ये बड़ा वाला ट्रक भी उठा के फेंक सकता हूँ। और ये गाइस सच्ची में यार ये बड़ा वाला सबसे लार्जेस्ट ट्रक तो देखो, अरे मैं तो इसकी टायर से भी ज्यादा छोटा हूँ, मैं इसको पंच मार के हटाऊंगा कैसे, मैं भी क्या सोच के यहाँ पर आ गया। तो दुअल यार कोई उपाय बताओ मुझे यार, मुझे यार वो है ना सारा सोना चांदी जादू टोना चाहिए और एक बड़े जायंट हल्क में कन्वर्ट होना है। और पत्थर जी ये देखो यार तुम अपना पंच मीटर तो देख ही रहोगे कि ये एकदम खाली है। अरे हाँ एकदम खाली है, क्या मुझे इसको एकदम भरना पड़ेगा? और पत्थर जी यस, अगर तुमने ये पंच मीटर को एकदम भर दिया तो यार फिर तुम वो सबसे बड़े वाले ट्रक को भी पंच मार पाओगे, और उसके बीच में जितने भी व्हीकल है सबको पंच मार के हटा के फाइनली यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है दद्दू हल्के यार मैं जल्दी से आता हूँ तुमको है ना ये पंच मीटर फिल करके, और फिर मैं भी यहाँ पे आके लड़ाई करूंगा, और यार सारे सारे मोटे हल्कों को बताऊंगा कि भाई फ्रैंकलिन द गेमर किसका नाम है। चलो गाइस यार मैं कोई भी तरीके से अपना पंच मीटर भरने चलता हूँ। गाइस यार देखो तुम मेरा पंच मीटर भरने में अभी भी हेल्प कर सकते हो, और वीडियो के स्टार्टिंग में तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुम वीडियो को अभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारी पंच की पावर कितनी है। देखो फ्रैंकलिन की पंच की पावर तो अभी 0 है, पर ये मीटर में तुम्हारी पावर किधर आती है? 100 पे आती है, 1000 पे आती है, 10,000 पे आती है, या फिर 1 लाख, या फिर उससे भी ज्यादा 1 मिलियन पे आती है? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पंच की पावर कितनी। तो चलो गाइस यार जल्दी से मैं चलता हूं कुछ भी तरीके से अपने पंच की पावर को बढ़ाने के लिए। मेरे को पता यार एक तरीका जहां पे जाके मैं मेरी पंच की पावर बढ़ा सकता हूं, चलो जल्दी जल्दी से वहां पे मैं चलता हूं। गाइस देखो मेरा अल्टीमेटली गोल था मेरा पंच मीटर भर के सबसे स्ट्रांगेस्ट हल्क बनना, पर यार सबसे स्ट्रांगेस्ट हल्क बनने उससे पहले मुझे सबसे स्ट्रांगेस्ट ह्यूमन भी तो बनना पड़ेगा। इसके लिए मैं आ चुका हूं वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट ह्यूमन के कॉम्पिटिशन में। यहाँ पे देखो यार तुम्हारे 3 सबसे फेवरेट और स्ट्रांगेस्ट ह्यूमन ऑलरेडी खड़े, मैं इनसे जाके हेड टू हेड इनके साथ कॉम्पिटिशन लगाऊंगा, तभी यार मेरे को पता चलेगा कि मैं वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट ह्यूमन हूँ कि नहीं। ये देखो यार यहाँ पे तुम्हारे तीनों पसंदीदा ह्यूमन तो है, और हमारे सबसे फेवरेट पिंक दद्दू हल्क भी है। यहाँ पे देखो यार सबसे
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, कीको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, शिवा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लिटिल सिंगम भी है भाई, ये तो अपनी पुलिस की वर्दी में ही घूमता है। तो चलो यार दद्दू हल्क हमको बता दो यार ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन के कॉम्पिटिशन में अपने को करना क्या है। तो गाइस देखो दद्दू हल्क चालू कर रहे हैं इनकी बात सुनते। ओए पत्थर जी देखो यार, अगर तुम चारों में से किसी को बनना है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन और अपना पंच मीटर को अपग्रेड करना है तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन का चैलेंज कोर्स कंप्लीट। यार ये तो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ओए देखो तुम यहाँ से एक एक करके दौड़ के जाओगे, ये पत्थरों से डॉच करोगे और उसके बाद एक काफी ऊंची छलांग लगा के तुम्हें ये पत्थरों के ऊपर चढ़ना है। उसके बाद तुम्हें और ये छोटे पत्थरों पे जाना है और तुम्हें ये वाली गाड़ी को हिला के बताना है। उसके बाद ये दूसरे सारे ऑब्स्टिकल्स को डॉच करते करते तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है। अब यहाँ पे जो भी सबसे पहले पहुंचेगा उसे यार यहाँ तक पहुंच के ये ट्रक में से कोई भी एक ट्रक को सिलेक्ट करना है और उसको हवा में उठा के फेंकना है। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे छोटे प्लेनों को हवा में उठा के फेंकना पड़ेगा और फिर यार यहाँ पे बड़े वाले प्लेन्स को उठा के फेंकना पड़ेगा जिससे तुम्हारी हाथों की शक्ति बढ़ेगी। तुम एक बार अपने हाथों की शक्ति बढ़ा लोगे उसके बाद तुम्हें ये वाले जंप कोर्स पे आके अपने पैरों की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अरे गाइस देखो यार ये वाले कोर्स से तो पूरा एकदम खतरनाक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बनने की प्लानिंग है। और पत्थर जी उसके बाद देखो यहाँ पे बाइक पड़ी हुई है, तुम्हें बाइक पे लेके एक बहुत ही खतरनाक जंप लगाना है ये गाड़ियों के ढगले के ऊपर से और उसके बाद ये फाइनल सारे ऑब्स्टिकल्स को डॉज करते करते तुम्हें यहाँ से घूम के मेरे पास पहुंचना पड़ेगा और तुम चारों में से जिसने भी ऑब्स्टिकल कोर्स सबसे पहले कंप्लीट कर लिया वो बन जाएगा अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन और उसकी पंच हो जाएगी सबसे स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसका पंच मीटर अपग्रेड हो जाएगा। तो क्या सब लोग को समझ आ गया रूल? अरे हाँ दद्दू हल्क एकदम अच्छे से समझ आ गए रूल। अरे मेरे को भी समझ आ गए। अरे मेरे को भी समझ आ गए। अरे लिटिल सिंगम तो एकदम स्मार्ट है, लिटिल सिंगम को सब पता है, मैं ही बनूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन। गाइस तुम्हें क्या लगता है हम चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन कौन बनेगा? तुम फ्रैंकलिन को सपोर्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में फ्रैंकलिन लिखो, तुम अगर है ना कीको को सपोर्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में कीको लिखो, शिवा को सपोर्ट करते हो शिवा लिखना, और यार अगर तुम सबके पसंदीदा लिटिल सिंगम को सपोर्ट करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिटिल सिंगम लिखना। मैं तो लिटिल सिंगम को सपोर्ट करता हूँ। अरे दद्दू हल्क तुम भी मुझे सपोर्ट नहीं करते? अरे कीको को तो किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। गाइस देखो कीको ने तो दौड़ने चालू कर दिया, इसका फर्स्ट नंबर था, अभी आगे से आ जा रहा है। अरे यहाँ पे जो कितने चाहिए पत्थर है, मेरा जो है ना इंच पे पैर फिचल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे कीको क्या यार ये छोटे छोटे पत्थरों से तू डर रहा है, फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन कैसे बनेगा? अरे मुझे पत्थरों में खेलना अच्छा नहीं लगता, मुझे साफ सफाई अच्छी लगती है। अरे कैसा बुद्धू बच्चा है गाइस, यार मेरे को तो नहीं लगता कीको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बन पाएगा, पर यार देखो इसके पास एथलेटिक एबिलिटीज तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, देखो सारे ऑब्स्टिकल्स को डॉज करता करता तो आगे जा रहा है। अरे कीको तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं तो बोलता ही था। अरे क्या बोलता ही था यार, किसी ने बोला नहीं कीको स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई आज तक। तो गाइस देखो ये कीको आगे जा रहा, भी देखते हैं ट्रक को हिला पाता है कि नहीं। अरे देखो यार ये थोड़ा सा हिला दिया। हाँ हाँ ठीक है दद्दू हल्क, कितना चलेगा कि ज्यादा हिलाना पड़ेगा? पत्थर जी चलो यार ये फर्स्ट ऑब्स्टिकल है तो इतना सा हिला दिया तो चलेगा। गाइस देखो अभी कीको आगे बढ़ता जा रहा, भी देखते हैं कीको आगे जाके ये सारे दूसरे ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से कूद के ट्रक को उठा पाएगा कि नहीं। अरे कीको तो उठा ही लेगा, ट्रक को उठाने में कौन सी बली बात है। अरे कीको यार मुझे तो नहीं लगता उठा पाएगा, देखते गाइस इसको ट्रक को उठा पाता है क्या ये। ओए कीको उठा ले इसको। अरे दद्दू हल्क उठा लो ना, रुको। अरे बाप रे यार मेरे से तो उठ ही नहीं ले, क्या करूं दद्दू हल्क यार मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा इनको। एक काम करता दूसरा वाला ट्रक उठाने का ट्राई करता हूँ। अरे पर ये तीनों ट्रक एक ही वजन के है भाई, बस उनका कलर अलग है। अरे नहीं 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 ये वाला ज्यादा हल्का होगा। अरे ये भी नहीं उठला गाइस, मैं क्या करूं। अरे मेरी तो टाइट टाइट फीच हो जाएगी, हट जा ले छोकले, भेजा ना थोकले, जल्दी हट जा यार, ये वाला भी नहीं हो रहा। ओए कीको अगर तुम इन तीनों ट्रक में से एक भी ट्रक को नहीं उठा पाते तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। ओ नो गाइस देखो कीको तो इनको उठा नहीं पा रहा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। अरे नहीं मेरे चार्ज तो बहुत गलत हुआ, मैं तो बन के आऊंगा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन, इतनी बॉडी बनाने का क्या फायदा हुआ है जब मैं ना ट्रक को भी नहीं उठा पाला। ओए देखो मैं बोल रहा था ना ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन का कंपटीशन आसान नहीं होने वाला, कीको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था फिर भी वो एलिमिनेट हो चुका है। चलो अब नेक्स्ट शिवा की बारी है, शिवा तू तो ये कर लेगा ना। अरे दद्दू हल्क डोंट वरी, मैं तो एक शिव भक्त हूं, इसके लिए मेरा नाम शिवा रख रखा है। अरे यार बात तो सही है भाई, जो शिव जी को पूजा करते वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी देखते ही क्या कर पाएगा। अरे देखो ये कीको को तो है ना इतने छोटे छोटे पत्थरों से प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे तो छोटे पत्थरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इनको उठा के भी फेंक सकता हूँ। अरे वाह यार कीको यार तू तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कीको नहीं शिवा इसका नाम है यार, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ यार गाइस इन तीनों में। अभी देखो यार ये शिवा दूसरी तरफ से है ना यहाँ पे पत्थरों के ऊपर चढ़ चुका है, अभी फुल स्पीड में आगे जा रहा है। ए कीको को किसी की कमेंट्री की जरूरत नहीं है, कीको इज द बॉस। अरे कमेंट्री नहीं कर रहा है, मैं तो बस सब लोग को बता रहा हूँ कि कीको कर क्या रहा है। अरे कीको इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सब लोग को पता है, ये देखो ये पंच मारा मैंने। अरे गाइस देखो यार ये कीको ने तो क्या कर दिया, अरे कीको नहीं यार लिटिल शिवा नाम है इसका। अरे मेरे को तू लिटिल बोल रहा है, देख यार मैं यहाँ पे पंच मार ला, पूरी टला खिल रही है। ओए शिवा तू तो सच्ची में बहुत स्ट्रॉन्ग है। गाइस ये देखो शिवा ने तो बढ़िया काम कर दिया यार, देखो इसको भी उठा लिया, अभी देखते शिवा आगे जाके क्या कर पाता है। अरे देखो मैं तो इसको भी हिला दूंगा, ये देखो यार। अरे ये थोड़ा बड़ा वाला टैंकल है पर यार मेरा पंच की पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे गाइस देखो सर यार ये तो जहाँ पे है ना लाते मार रहा है वहाँ पे है ना बम फूट रहे छोटे छोटे। अरे बम नहीं फूट रहे, ये तो मेरे अंदर की ताकत है, मेरे अंदर का लावा फट के बाहर आ रहा है। अरे वाह वाह गाइस देखो यार शिवा की तो पावर सच्ची में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी देखता है ये ट्रक को उठा पाता है कि नहीं। अरे क्यों नहीं उठा पाऊंगा, बहुत आसान काम है, ये देख अभी ये ट्रक को मैंने उठा लिया। अरे वाह वाह वाह
गाइस ये देखो यार, ये शिवा ने तो इसको कैसे उठा लिया, अब इसको कितना ज्यादा दूर फेंक पाएगा देखते। ओ माय गॉड गाइस, और ये तो पूरे चाइना में फेंक दी भाई इसने ये ट्रक, इतनी भारी वाली। वो है ना कीको तो उठा भी नहीं पा रहा था, शिवा ने तो ट्रक को भाई कितना दूर फेंक दिया भाई, पूरी वो पार्क के उस साइड गिरी और इतनी दूर से देखो यहाँ पे से उसने उठाई थी। अरे मैंने तो बोला ही था आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, व्हेन आई गेट ओल्डर आई विल बी स्ट्रॉन्गर। अरे और कितना ओल्ड और कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा गाइस, देखो यार अभी ये ट्रक में बैठ रहा है। अरे ये वाला चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा गाइस, अभी देखते हैं। और ये तो यहाँ पे आगे जा रहा है, उसके बाद ये जीत पाएगा कि नहीं। अरे ये क्या हो गया, अरे मेरा तो ट्रक ही फूट गया रे बाबा। ओ नो गाइस, देखो यार यहाँ पे प्लेन का एक्सप्लोजन हुआ और उसमें टीम रॉकेट की तरह है ना शिवा भी यहाँ पे आसमान में तारा बन के चला गया यार। नहीं मैं वापस आऊंगा, मुझे तो पता ही था लिटिल सिंघम के अलावा ये चैलेंज और कोई कम्प्लीट नहीं कर पाएगा। और लिटिल सिंघम तू तो फ्रैंकलिन से ज्यादा स्ट्रांग है ना। अरे ये फ्रैंकलिन क्या है, जिंगूर जैसा है, एक हाथ का इसको बोलना भी नहीं आता, एक लपटा मारूंगा ना उड़ के गिरेगा। अरे जिंगूर जैसा नहीं हूँ माना, तेरे से छोटी साइज है पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। हाँ देखा था नहीं ना लोगों को कैसे उठा उठा के फेंक पाता हूँ। अरे मेरे को उठा के फेंक पाए तो मानू। हाँ। चलो गाइस यार यहाँ पे देखो ये जिंगूर से फ्रैंकलिन को बताना है ना कि असली पावर किसको बोलता है। चलो गाइस ये देखो मेरे को जिंगूर जिंगूर बोल रहे यार, ये लोग तो कितने ज्यादा बुरे यार, तुमको नहीं लगता ना मैं जिंगूर जैसा हूँ। तुम लोग यार फ्रैंकलिन ओपी लिख दो यार, मुझे थोड़े सपोर्ट की जरूरत है यार, वरना तो ये सब लोग मुझे जिंगूर बोल बोल के परेशान कर देंगे। जिंगूर है तो जिंगूर ही बोलेंगे ना, बोलना भी नहीं आता, पाव भर का है तो पाव भर का, मसल्स बना थोड़ी फिर बात करेंगे। अरे क्या मसल वसल यार, मसल की क्या जरूरत है। गाइस देखो यार अभी ये लिटिल सिंघम की बारी आ चुकी है, अब देखते हैं ये क्या करता है। अरे ये देखो यार तुम लोगों को ये वाली ट्रक को हिलाने मुश्किल हो रही थी ना, ये सारी ट्रक्स को मैं उठा उठा के एकदम दूर फेंक दूंगा। अरे गाइस यार देखो यार ये लिटिल सिंघम ने तो सारी यहाँ पे जितनी भी ट्रक थी सबको उठा उठा के कहाँ दूर फेंक दिया भाई, एक के बाद एक आगे चली गई यार। मेरे लिए सिर्फ इसने एक ट्रक छोड़ी है जो मुझे फेंकनी है। अरे तू तो इसको फ्रैंकलिन, तेरे को तो दौड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैलेंज को तो अभी मैं कंप्लीट कर दूंगा ना। अरे हाँ गाइस बात तो सही है, अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओए ये वाला फ्रेट ट्रक भी उठा लिया इसने तो, इसको भी देखो साइड में फेंक दिया। देख फ्रैंकलिन ये वाला मैं तेरे लिए छोड़ रहा, उठा के बताना अगर दम हो तो। अरे हाँ यार देखते गाइस अभी यार ये इसकी बारी आ चुकी है। ओए होए होए क्या कर रहा है भाई लिटिल सिंघम, बस यार इतनी दूर से उठा लेगा क्या इसको। अरे हाँ हाँ बहुत आसान है मेरे लिए, देख सीधा हवा में उछालूंगा वो एक करके। अरे ये क्या चांद पे फेंक दिया क्या इसको। अरे ये ट्रक की तो हाइट देखो कितनी ज्यादा हो गई गाइस, ये हवा में ही रह जाएगा क्या ट्रक। अरे कहाँ जा रहा है भाई ये देखो यार, ये तो कितना ज्यादा दूर भाग के जा रहा है भाई। अरे ये तो यहाँ पे है ना नाली में जाके गिरेगा डायरेक्ट डायरेक्ट। बाप रे गाइस देखो वहां से लेकर यहाँ तक फेंक दिया यार, मुझे नहीं लगता गाइस यार मेरा पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अरे हो ही नहीं सकता, सिर्फ मैं ही हूँ स्ट्रांगेस्ट और द फास्टेस्ट और द ओपीएस्ट ऑफ द ओपीएस्ट। अरे क्या ओपीएस्ट ऑफ द ओपीएस्ट गाइस, ये देखते ना क्या करता है। अभी देखो यार यहाँ पे जा रहा है ये लिटिल सिंघम कितनी ज्यादा स्पीड से। अभी देखो यार इसने तो ये क्या ये फैंटम वेज ले लिया। अभी देखो यार यहाँ पे तो बूम बड़ा बूम हो रहा है पर इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि इसकी ट्रक इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। अरे हाँ मैंने तो बोला ही था ना माय ट्रक इज द स्ट्रांगेस्ट। अरे यहाँ पे क्या हो गया, मेरी ट्रक इसको तोड़ नहीं पाई। कोई बात नहीं मैं पहुंच चुका हूँ ये जंप के कॉम्पिटिशन पे, फिर उसके बाद तो इजी ऑब्स्टिकल्स ही है। अरे हाँ गाइस बात तो सही है, जंप वाला ऑब्स्टिकल ही एक लास्ट हार्ड ऑब्स्टिकल, अगर लिटिल सिंघम ने ये भी क्रॉस कर दिया ना तो फिर तो भाई ये जीत जाएगा। एक सेकंड ये क्या हो गया भाई, ये तो नीचे गिर गया। अरे नहीं नहीं किसी ने नहीं देखा, मैं नीचे नहीं गिरा, मैं हार नहीं सकता, मुझे वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट ह्यूमन बनना है। अरे नहीं नहीं दद्दू हल्क आपने देखा ना। ओए पुत्र जी नहीं यार मैंने नहीं देखा। गाइस देखो यार ये दद्दू हल्क को बोलो कमेंट सेक्शन में कि लिटिल सिंघम नीचे गिर गया था यार, वरना ऐसे कैसे चलेगा यार, अगर ये तो चीटिंग करके जीत जाएगा। अरे नहीं नहीं कोई चीटिंग नहीं करी है मैंने। ओए पुत्र जी रुको यार, मुझे कमेंट सेक्शन में देखने दो यार कि सब लोग क्या बोल रहे हैं। गाइस जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस करो, अगर तुम कमेंट सेक्शन में यस करोगे तो ये ना दद्दू हल्क को पता चलेगा कि ये ना लिटिल सिंघम वहां से नीचे गिर गया था। ओए हाँ जल्दी से यस करो। गाइस देखो तुमने यस नहीं किया ना तो देखो लिटिल सिंघम मैंने यहाँ तक तो पहुंच चुका, अब यहाँ से तो सिर्फ बाइक कुदा के इसको यहाँ पे सिर्फ लैंडिंग करनी है। लिटिल सिंघम ये तो कर ही लेगा, ये लास्ट ऑब्स्टिकल मुश्किल था यार। प्लीज तुम चाहते हो कि मैं वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट ह्यूमन बन जाऊँ तो यार दद्दू हल्क को कमेंट सेक्शन में यस करके बता दो। ओए हाँ जल्दी जल्दी रुको, देखो यार कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ काफी सारे जन यस 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 लिख तो रहे हैं। अरे नहीं यार तुम लोगों ने क्या कर दिया, मेरी दद्दू हल्क के सामने पोल खोल दिया, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा बेशर्म हो चुका हूँ। अरे गाइस देखो यार ये लिटिल सिंघम तो अपनी बाइक को उड़ा के लेके चला गया। अच्छा यार तुमने कमेंट सेक्शन में यस लिख के दद्दू हल्क को बता दिया, वरना देखो इसको तो बाइक को उड़ाना था, ये तो पक्का ये ऑब्स्टिकल चैलेंज जीत ही जाता, फिर मुझे मेरा पंच मीटर भरने का मौका नहीं मिलता और मैं स्ट्रांगेस्ट ह्यूमन नहीं बन पाता। कोई बात नहीं गाइस आ चुकी है मेरी बारी। दद्दू हल्क रुको यार तुम्हारे पाए लागू यार, तुम लोग के सामने तो कितना छोटा छोटा लगता हूं मैं। और फ्रैंकलिन पत्ता जिंदा रहे जिंदा रहे।
अरे हाँ थैंक यू दद्दू, देखो गाइस यार अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से अपग्रेड होना। ये देखो यार क्या छलांग मारी है। आए फ्रैंकलिन पुत्तर यार तू तो इतना छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। अरे हाँ मैं बड़ा धमाका तो हुई, आई 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 गंदी लैंडिंग हो गई गाइस थोड़ी। कोई बात नहीं गाइस, ये देखो लिटिल सिंघम ने मुझे चैलेंज किया था ना कि मेरे को ये वाला ट्रक उठा के फेंकना है, देखो इस डायरेक्शन में था लिटिल सिंघम ये ले भाई ये ट्रक तेरे ऊपर ही फेंक दिया। अरे वाह फ्रैंकलिन मे बी यू आर स्ट्रॉन्ग आफ्टर ऑल। अरे हाँ हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, देख तेरे लिए तोहफा भेजा। आलम बना तो उसकी ग्रेट हो तोहफू कबूल करो, वो वाला डायलॉग बोलना चाहिए। पर यार मुझे तो है ना लिटिल सिंघम ग्रेट लगता भी नहीं है। ये देखो यार ये वाली ट्रक को भी उठा के फेंक दिया। आए तू मेरी इधर लाइट क्यों खराब कर रहा है। अरे सबकी लाइट वाइट दद्दू हल्क छोड़ो यार, इधर भी अपग्रेड होने का टाइम आ रहा है। और यार तुम लोग को लाइट की पड़ी है, मैं तुम्हें नई लाइट दिला दूंगा। आए दूसरी लाइट भी तोड़ दी। अरे दद्दू हल्क छोड़ो यार एक लाइट का क्या मोह कर रहे हो, मैं जब है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बन जाऊंगा मेरा पंच मीटर फिल कर लूंगा, मुझे इतना सारा गोल्ड मिल जाएगा ना, फिर यार तुम्हें जितनी लाइट चाहिए होगी सब दिला दूंगा। गाइस ये देखो यार ये कैसी आग उगलने वाली ट्रक ले ली है मैंने, मस्त मजा आ रहा है इसको चलाने के लिए। ओए इतनी ज्यादा आग उगलोगे तो सब कुछ फूट जाएगा। अरे भले फूटता ना मुझे क्या, मैं तो आर्मर ट्रक में हूँ। रुको यार सबसे पहले तो है ना ये लिटिल सिंघम की ट्रक को जलाऊंगा मैं। अरे तू मेरी ट्रक को क्यों जला रहा है, तू बहुत शैतान है फ्रैंकलिन। अरे हाँ जलाऊंगा ही ना भाई, तू मेरा मजाक उड़ा रहा था, तेरी ट्रक को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गाइस ये देखो लिटिल सिंघम की तो पूरी ट्रक को है ना मैंने आग में लगा दिया है। पर छोड़ो यार अभी ये फूट नहीं रही, इसमें काफी ज्यादा आर्मर लग रहा है, अभी मेरे पास टाइम नहीं यार इतना, मुझे ये जंप चैलेंज को भी तो कंप्लीट करना है। ये देखो यार अभी से मैंने मेरी जंप की प्रैक्टिस तो करी ली थी गाइस, तुमने देखा होगा ना स्टार्टिंग में भी एक आधी दो जंप लगाई थी। अब देखो लिटिल सिंघम ने यहाँ पे थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करी थी, इसके लिए वो आउट हो गया था। मैं यहाँ पे जल्दी नहीं करूंगा, एकदम आराम आराम से करूंगा। बुढ़ी बाप रे एक थोड़ा स्टेप और पीछे हो जाता ना गाइस तो अभी मैं आउट हो जाता। अरे ये क्या हो रहा था, मेरा पैर फिसलता रह गया पर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। ये देखो गाइस जंप मारा और ये देखो यार यहाँ पे लैंडिंग कर ली। ओए ओए नीचे मत गिरना, नीचे मत गिरना, नीचे मत गिरना। अरे ये कहाँ पे खड़ा हूँ भाई, मैं परमात्मा हूँ क्या। ओए फ्रैंकलिन पुत्तर तुम हवा में कैसे खड़े हो। अरे दद्दू हल्क तो मुझे भी पता नहीं भाई, आपने कॉम्पिटिशन रखा है मैंने थोड़ी रखा है, मुझे कैसे पता हवा में खड़ा हूँ कि नहीं खड़ा हूँ। पर गाइस ओहो देखो यार मैंने यहाँ पे जंप कॉम्पिटिशन को भी जीत लिया है। अब यार सारे मोस्ट डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल्स तो कम्प्लीट हो गए, अब बस मुझे यहाँ से एक जंप लगानी है। ये देखो जंप लगाई और यार इस बाइक को बस हवा ना हवन कटोले की तरह उड़ा के लेके जाना। और ये देखो यार ये गाड़ियों के ढोले के ऊपर भी लेकर चला गया। चलो यार ये बाइक और मेरा साथ यहीं पे था, अभी एक और सुपर जंप। देखो यार बस अब तो ये छोटी छोटी पिनों के बीच में से निकलना। अब ये लिटिल सिंघम इन लोगों के लिए तो बड़ी बात होती है क्योंकि उनकी बॉडी की साइज इतनी ज्यादा बड़ी है, पर देखो मेरे तो डोले शोले छोटे, इसके लिए मैं तो यार वहाँ पे क्रैक में से निकल गया। दद्दूल यार देखो मैं आ रहा हूँ, मेरा पंच मीटर अपग्रेड करने के लिए रेडी हो ना। आए पुत्तर जी हाँ बिल्कुल रेडी हो, जल्दी जल्दी से आ जाओ। ये देखो गाइस यार क्या जंप मार के आ रहा हूँ भाई, मेरी पंच तो अपग्रेड हो ही गई उसके साथ साथ जंप भी अपग्रेड हो गई है। ओए हाँ इधर आओ यार, ये देखो तुम्हारा पंच मीटर हो चुका है अपग्रेड। ओ माय गॉड गाइस फ्रैंकलिन नो वे होम, देखो मेरी पावर बढ़ चुकी है। रुको यार मैं भी एक गाड़ियां खड़ी है इस पे मेरी पंच पावर टेस्ट करता हूँ। पहले तो देखो मैं ना छोटी गाड़ियों को भी पंच नहीं कर पा रहा था। ओके गाइस देखो यार मैंने यहाँ पे धमादम धुआं चढ़ी कर दिया, देखते और ओए होए गाइस देखो इतनी बड़ी गाड़ी थी इतनी आसानी से उठा ली मैंने। अभी देखते यार मेरी पंच पावर, ये देखो गाइस एक लात हमारी कितनी ज्यादा दूर चली गई है। और ये देखो यार, अरे यार गाइस देखो यार मुझे इससे थोड़ी ज्यादा पंच पावर चाहिए थी यार। अभी देखो मैं इसको पंच मार रहा हूँ तो भले ये गाड़ी आसानी से रास्ते से हट जा रही है, पर गाइस अगर इस तरह गाड़ी को मैं चांद पे नहीं फेंक पाऊंगा तो गाइस जब बड़ी वाले ट्रक आएंगे मैं उनसे कैसे लड़ाई करूंगा यार। चलो छोड़ो यार गाइस, देखो वैसे भी अभी मेरा पंच मीटर ज्यादा अपग्रेड नहीं हुआ है, पर यार देखो काफी ज्यादा अपग्रेड हो गया। देखो यार थोड़ी सी मेरे को पावर अप जैसा महसूस हो रहा है, क्या करता हूं इसको उठा पाऊंगा ना। नहीं 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 गाइस मैं भी देखो उठा के फेंक सकता हूं पर पंच पावर इतनी ज्यादा नहीं हुई है। पर यार देखो डोंट वरी गाइस, मैं पंच पावर को भी जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर दूंगा। अभी मैं देखो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन तो बन चुका हूँ, पर यार अभी है ना बस मुझे बनना है इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं मेरा पंच मीटर एक हल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूं। और गाइस उसके लिए मुझे एक तरीका बताया यार, मुझे अवेंजर से मिलने जाना पड़ेगा, वहां पे टोनी स्टार की मेरी मदद कर सकता है एक हल्क में कन्वर्ट होने के लिए अपग्रेड होके। चलो गाइस जल्दी जल्दी से चलते फैट अवेंजर से मिलने। तो गाइस देखो यार अब मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बन चुका हूं तो मैं अवेंजर्स के साथ कॉम्पिटिशन लगाने जा सकता हूं ना। ये देखो यार यहां पे सारे अवेंजर्स खड़े, मेरी भी बारी आ चुकी है यहां पे। अरे एक सेकंड गाइस यार ये अवेंजर्स तो सारे मोटे हो गए और यहां पे फ्लैश क्यों आया, फ्लैश तो अवेंजर्स का पार्ट भी नहीं है। अरे फ्रैंकलिन यार अवेंजर्स को है ना आजकल खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम सारे फूड ब्लॉगर्स बन गए। इसके लिए देखो हल्क सोनिक फ्लैश और थॉर सबका थोड़ा थोड़ा पेट निकलाया। अरे हम तो ओडिनसन है, हम मोटे हो के भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई एम वेरी फास्ट, मैं तो जब चाहूँ तब दौड़ के वजन कम कर सकता हूँ। अरे हाँ मैं भी दौड़ के वजन कम कर सकता हूँ। सोनिक यार तेरे से तो अब दौड़ा नहीं जाएगा, तू रहने दे यार। और गाइस ये देखो ये मोटा हल्क तो
भाई एक डिसग्रेस है, मैं एक स्ट्रॉन्गर सुपर पावरफुल हल्क बनने का ट्राई कर रहा हूं और एक ये हल्क है जो कमजोर पे कमजोर होता जा रहा है। अरे फ्रैंकलिन, वो तो अभी देखते हैं ना तुम स्ट्रॉन्ग हो के कमजोर। इसके लिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है यहाँ पे अवेंजर्स के कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे तुम अपना पंच मीटर फिल कर सकते हो। तुम सब लोग कॉम्पीट कर रहे हो और एक ही प्राइस के लिए, जिसका नाम है अपने पंच मीटर को फिल करके स्ट्रॉन्गेस्ट बनना। तो देखो यार, तुम्हें अपने कलर की बाइक उठा के यहाँ पे से मेगा रैंप पे से नीचे जाना पड़ेगा। ये रैंप पे तुम्हें 200, 300, 400, 500, 600, 1000 की स्पीड पे पहुंच के यहाँ पे फुल जंप लगाना है। और उसके बाद तुम्हें ये गाड़ी वाले प्लेटफॉर्म पे आना है। यहाँ पे अपने कलर की गाड़ी उठा के तुम्हें ये टनल में से निकलना है और उसके बाद और खतरनाक जंप और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते करते तुम्हें ये वाली टनल में आना है। यहाँ पे टनल को डॉज करते हुए तुम्हें यार ये बॉल्स की दीवार को गिराना और इस फाइनली गोल में घुस जाना है ये बर्गर्स के आगे। जिसने भी यार ये गोल के अंदर सबसे पहले एंट्री ले ली उसका पंच मीटर फुल हो जाएगा और बन जाएगा वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर। गाइस ये तो देखो मैं ही करूंगा यार, मैं सबसे ज्यादा बड़ा हूँ यहाँ पे। अरे तुम ओडिनसन नहीं हो ना, सिर्फ साइज से पावर डिसाइड नहीं होती। हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हें पता नहीं है। अरे आई एम वेरी फास्ट, मैं इतना ज्यादा फास्ट जाऊंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे मैं तो बहुत ज्यादा फास्ट जाऊंगा। अरे तू फास्ट बोल भी नहीं पाता है, और भाई ये मोटे हल्क से तो किसी को कुछ उम्मीद ही नहीं है। सही बोला ना टोनी स्टार्क। अरे वो तो देखेंगे यार किसमें है कितना है दम। तो चलो यार सबसे पहले जाएंगे थॉर ओडिनसन। हमारा नाम है थॉर ओडिनसन, हम यहाँ पे बाइक चलाने आए हैं। अरे यार ये बाइक पे तो हमारा पेट अथड़ा रहा है, हमको बाइक चलाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, हम ये बाइक को फिर भी चला लेंगे। यहाँ पे देखो यार बाइक को हवा में उड़ा रहे। अरे थॉर बाइक को हवा में नहीं उड़ा रहे, जमीन पे चलाना है जिससे थोड़ी स्पीड आ पाए। अरे नहीं स्पीड की हमें जरूरत नहीं है, हम तो ओडिनसन ठहरे ना। अरे ओडिनसन ठहरे पर ये क्या कर रहा है भाई, बाइक को हवा में उड़ा के कहाँ चला गया? टोनी स्टार्क किसने चीटिंग करी यार, गाड़ी चेंज ही नहीं करी। अरे इसमें यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, सब लोग अपने अपने तरीके से जीत सकते हैं। अरे कोई रूल्स नहीं है तो फिर यार मैं तो डायरेक्ट उड़ के वहाँ पे चला जाऊंगा ना। अरे नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तुम ओडिनसन नहीं हो ना। अरे हाँ हाँ मैं ओडिनसन नहीं हूँ, पर क्या ओडिनसन ओडिनसन का लगा रखा है गाइस। तो देखो यार ये आगे जा रहा है, अभी देखो यार ये थॉर क्या कर रहा है। अरे हमने तो गड़बड़ कर दिया, हम उड़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा ही आगे तक चले गए। हाँ भाई तू तो पायलट है ना जो बाइक को हवा में उड़ा रहा है। गाइस ये देखो थॉर से तो कुछ हुआ नहीं, अभी देखते ये मोटा सोनिक कुछ कर पाता है कि नहीं। अरे मैं तो कर ही दूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ, आई एम फास्टेस्ट फास्टेस्ट। अरे क्या फास्टेस्ट फास्टेस्ट गाइस, वैसे तुम्हें क्या लगता है फ्लैश और सोनिक में कौन ज्यादा फास्ट है? अरे ऑब्वियसली मैं ही ज्यादा फास्ट हूँ ना, मैं सोनिक जो ठहरा। अरे सोनिक पर यार तू पहले एकदम मस्त पतला दुबला स्ट्रॉन्ग था यार, अब तो तू काफी ज्यादा मोटा हो गया, तो मेरे को नहीं लगता कि तू फ्लैश की स्पीड में भाग पाएगा। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ अभी भी। देखो मैं तो हरी वाली गाड़ी ले लेता हूँ हल्की। अरे तुम मेरी गाड़ी क्यों चुरा रहे हो, गलत बात है, वो हल्की गाड़ी है। अरे हाँ यार देखो सोनिक ने तो हल्की गाड़ी चुरा ली, पर हल्के यार तू रहने दे यार, मुझे नहीं लगता कि ये बाइक है ना तेरा वजन भी सहन कर पाएगी, तो टायर पंचर हो जाएगा, फिर तो यार यहाँ पे गाड़ी वाले हिस्से तक तो पहुंच भी नहीं पाएगा। सही बोला ना सोनिक? अरे हाँ बिल्कुल सही बोला गाइस। यार सोनिक की आवाज तो ना गधा प्रसाद जैसी नहीं लगती तुम्हें? अरे नहीं मुझे गधा मत बोलो, मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्टेस्ट हूँ। अरे पर ये देखो मैं तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। अरे मैं बताता हूँ असली स्पीडस्टर क्या कर सकता है, वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट 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 फास्ट। अरे हाँ 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 भाई सांस ले ले सांस ले ले, ऐसे फास्ट 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 करेगा कैसे चलेगा? नो नो नो, आई विल बी द फास्टेस्ट, आई विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, व्हेन आई गेट ओल्डर आई विल स्ट्रॉन्गर। अरे क्या बटर बटर कर रहा है गाइस, ये तो देखो फ्लैश तो बावला हो गया। पर देखो यार इसने स्पीड तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा ली है भाई, इतनी ज्यादा स्पीड तो कोई भी नहीं ले पाया था। ये देखो कितना इजीली आगे तक पहुंच चुका है। मैंने तो बोला ही था मैं सबसे बेस्ट हूँ, देखो मैंने क्या ब्रेक भी मारी, ये वाली गाड़ी के टायर भी पंचर कर दिया, हा 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 आई एम फास्टेस्ट फक बॉय। अरे नहीं 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 ऐसे सब चीजें नहीं बोलते भाई, जल्दी आराम आराम से खेलो यार, अपने ऐसे मत करो यार फ्लैश भैया। गाइस ये तो देखो फ्लैश को तो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है भाई, मेरे को तो लगता है ये जीत ही जाएगा। अरे हाँ मैं जीत ही जाऊंगा, आई एम फास्ट। बच्चे तुम्हें क्या लगता है मैं ही फास्ट हूँ ना, सबसे फ्रैंकलिन से भी ज्यादा फास्ट हूँ। अरे हाँ तू फ्रैंकलिन से ज्यादा फास्ट तो है, पर तू फ्रैंकलिन से ज्यादा डंब भी तो है ना। अरे नहीं यार मैं मेरी गाड़ी को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा वापस से, मैं गिव अप नहीं करूंगा, आई नेवर गिव अप। अरे गाइस ये देखो यार ये फ्लैश की बात तो बहुत अच्छी है, कभी गिव अप नहीं करता, पर यार ये देखो अपने है ना बूस्ट का इस्तेमाल कर करके इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, पर यार मुझे नहीं लगता ये कहीं तक भी पहुंच पाएगा। अबे फ्लैश भैया ऐसे मत करो भाई, आराम आराम से गाड़ी चलाओ, नीचे चले जाओ भाई, तुम हार गए। नो नो नो, आई विल नेवर एक्सेप्ट माय डिफीट, मैं हमेशा गाड़ी को यहां पे उड़ाता रहूंगा आसमान में, अनंत से भी आगे लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है तुम अनंत से भी आगे लेके जाओ, टोनी स्टार्क इनको डिस्क्वालीफाई कर दो भाई, देखो ये तो घूम के वापस अपने पास पहुंच गए। अरे हाँ यार फ्लैश तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। नहीं मैं ये दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ लॉस सेंटोस छोड़ के वापस। अरे ये मोटे फ्लैश की तो किसी को पड़ी भी नहीं थी, मोटे हल्क से पर अभी भी सब जन प्यार करते हैं। वैसे थोड़ी सी है ना मेरी आंखें खराब हो गई है तो देखने में मुझे तकलीफ होती है। अरे ये क्या है, अरे ठीक है चलो अच्छा है ग्लासेस के कारण टिक गया, वरना मैं तो नीचे गिर जाता। गाइस ये देखो यार ये बेचारी है ना, ये तो अच्छा ये बाइक के टायर प्लास्टिक के, वरना तो यार ये है ना बाइक का वजन है ना सहन ही नहीं कर पाते। बाइक का वजन नहीं यार, ये बाइक फ्लैश का वजन सहन नहीं कर पाती, फ्लैश का वजन नहीं यार हल्क का वजन सहन नहीं कर पाती। गाइस मैं क्या गड़बड़ गड़बड़ कर रहा हूँ यार, सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। यार ये देखो ये हल्क क्या कर रहा है भाई, इतनी स्पीड में बाइक चला रहा है।
अरे थोड़ा सा बैलेंस में तकलीफ आ रही यार, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा है, पर आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। ये देखो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। एक सेकेंड, पर यहाँ पे क्या सुगंध आ रही है? अरे गाइस, अगर ये रिंग के अंदर चला गया तो जीत जाएगा। अरे ये रिंग के अंदर जाओ कि बर्गर खाने जाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बर्गर खाओ की कॉम्पिटिशन जीतू, बर्गर खाओ की कॉम्पिटिशन जीतू। अरे मोटे बर्गर खा, बर्गर खा कॉम्पिटिशन में जीत। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, मैं तो बर्गर खा रहा हूँ, नम 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 नम। ये कॉम्पिटिशन गया अखबाड़ में, मैं तो बर्गर खाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन यार, तुमने तो उसको बुद्धू बना दिया, उसको तुमने बर्गर खिलाने के लिए ललचा दिया। इसके लिए यार वो भी कॉम्पिटिशन से आउट हो गया क्योंकि वो रिंग के बीच चला गया। अब तुम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन अकेले बचे हो अवेंजर के कॉम्पिटिशन में। अगर तुमने इसको कंप्लीट कर लिया तो तुम बन जाओगे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर। और यार मैं तुम्हें दे दूंगा बहुत अच्छे हल्क की पावर जो तुम्हारे मीटर अपग्रेड करने से तुम्हें मिलेगी। अरे थैंक यू टोनी भैया, बस यार इतनी भी तारीफ मत करो, इतना भी कुछ मैं खास नहीं हूँ। चलो गाइस यार यहाँ पे फुल स्पीड में चलते। अब यार देखो यहाँ पे फुल स्पीड में नहीं जाना, थोड़ी लो स्पीड में जाना है। लो स्पीड पे जाने से यार मैंने फ्लैश से सीखा है कि यहाँ पे ना जमीन पे ज्यादा देर तक रहते, फिर जमीन पे ज्यादा देर तक रहते तो ज्यादा स्पीड पकड़ पाते। और ये देखो क्या भाई, पॉकेट में रॉकेट है, ऐसे उड़ के जा रहा हूँ मैं। अब गाइस देखो यार यहाँ पे बहुत सारे जनों ने अपनी बाइक चेंज करी थी, बहुत सारे जनों ने अपनी बाइक चेंज नहीं करी थी, पर मैं तो मेरी बाइक चेंज नहीं करूंगा। मुझे मेरी व्हाइट वाली बाइक है, लेजर वाली, बहुत अच्छी लगती है। पुई पुई करके फुल स्पीड में जाऊंगा गाइस। ओए होए देखो क्या मस्त बाजू में से प्लेन जा रहा है यार, मस्त सीनरी बन गई है यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन ध्यान रखो, तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अरे हाँ टोनी स्टार्क डोंट वरी यार, ये देखो मैं रिंग में घुस गया गाइस। ये देखो यार मेरा पंच मीटर भर चुका है। और ये क्या गाइस, ये देखो यार मेरा हल्क का नया फॉर्म आ चुका है। देखो यार तीन हेड तो दिख रहे, तीन नहीं चार हेड वाले, यार इतना खतरनाक हल्क हेड बन चुका मैं तो। रुको मेरी पंच की पावर चेक करने दो। ये देखो यार मेरे को ज्यादा गुस्सा आ गया, ये बॉल पड़ा इसको पंच मारा। ओए पंच भी मारने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ टक्कर मारी तो गाइस इतने भारी भारी बॉल यहाँ से चले गए। रुक जाओ यार ये वाली गाड़ी को उठा के देखता हूँ। ओए गाइस देखो यार इसको तो खिलौने के जैसे उठा लिया मैंने अब तो। और ये देखो क्या पंच मार के फेंक दिया। रुको यार यहाँ पे और थोड़ी सी गाड़ियां थी, इनके ऊपर भी अपनी पावर को टेस्ट करने दो। अरे वाह वाह फ्रैंकलिन, तुम तो सच्ची में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर बन चुके हो। अरे हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर, स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क भाई, आई एम एवरीथिंग स्ट्रॉन्गेस्ट गाइस। ये देखो ओए 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 सिर्फ एक टक्कर मारी, ये गाड़ी देखो कहां तक उड़ के चली गई भाई यहां पे। रुको यार वापस से टक्कर मार के देखते हैं गाइस। यहां पे तो देखो यार मैंने कुछ किया भी नहीं, पंच मारने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, मेरे से थड़ा थड़ा के गाड़ियां वहां पे चली जा रही है। अरे रे रे पंच मारने का मौका तो दे दो यार। रुको 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 ये देखो, अरे यार एक पंच में तो गाइस पूरी गाड़ी उड़ गई। और ये देखो यार ये चार्ज पंच मारा, ये भी कितनी ज्यादा उड़ गई गाइस। देखो आई थिंक आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट नाउ। और यार पर मेरे को बस एक और टेस्ट करना है टोनी स्टार्क यार, वहां पे है ना लास्ट में एक बहुत ही बड़ा डंप ट्रक था यार, मुझे उसको मारने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है जिससे ना मेरी है ना पंच मीटर एकदम फुल हो जाए। अच्छा फ्रैंकलिन ऐसी बात है क्या? डोंट वरी यार, मेरे पास करोड़ों खजबों रुपए, मैं यार थोड़े से फोन पे वो ट्रक तुम्हारे लिए खरीद लेता हूँ जिससे तुम उनको फेंकने की प्रैक्टिस कर पाओ, और फिर यार तुम बन जाओगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट पंच मीटर को बढ़ा के। अरे हाँ हाँ ऐसा कर दो ना। तो गाइस देखो मैंने टोनी स्टार्क को बोल दिया कि मुझे थोड़ी सी पंचिंग की प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए यार उसने मेरे लिए है ना नए वाले वो खरीद लिए डंप ट्रक्स। टोनी स्टार्क ने खरीद लिए, वो यहीं पे कहीं पे खड़े होंगे। एक सेकंड गाइस देखो ये सामने दिख रहे हो यार, ये वाले ट्रक की साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, मुझे इनको थोड़ी सी फेंकने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर एक बार अगर मैंने इनको फेंकने की प्रैक्टिस कर ली और यार मैं इतना स्ट्रांग बन गया कि मैं इनको फेंक पाऊ। देखो यार काफी ज्यादा बड़े ट्रक्स है यहाँ पे, टोनी स्टार्क ने अपने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रक्स मंगवाए। और यार ये ट्रक्स की साइज देखो अभी भी ज्यादा है, इसके व्हील्स अभी भी मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। पर यार देखो मैं दौड़ के आता हूँ और इनको फेंकने की ट्राई करता हूँ यार, लगे हाथों ये प्लेन से भी टक्कर लेने का ट्राई करता हूँ। ए प्लेन उठा लो, उठा लूंगा, उठा लिया गाइस देखो पूरा कार्गो प्लेन उठा लिया, और इसको क्या जोरदार दूर फेंक भी पाया। देखो यार मेरा पंच मीटर वापस से बढ़ने लग गया है, मैं यहाँ पे है ना फुल पंच को मेरे चार्ज करता हूँ। और यार ये वाली ट्रक को मारूंगा, ये ले भाई ट्रक गाइस, यार कितना ज्यादा उठा के दूर फेंक पा रहा हूँ। रुक यार इसको भी उठा के टेस्ट करते, देखो यार थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर लूंगा मेरा पंच मीटर बढ़ जाएगा। ये देखो इसको उठा के फेंक दिया, इसको उठा के फेंक दिया, अब तो गाइस यार आई थिंक यार मेरा पंच मीटर एकदम ज्यादा फुल हो चुका है। ओए फ्रैंकलिन पुत्तर ये क्या कर रहा है तेरे दद्दूल का, आपको कहां से दिख रहा है? ओए तेरी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं तुझे है ना सेंस कर पा रहा हूं तेरी शक्तियों को। अरे दद्दूल की सच्ची में इतनी ज्यादा शक्तियां बढ़ गई है क्या? हां गाइस देखो अब इतना बड़ा डंप ट्रक इतना ज्यादा दूर उठा के फेंक पा रहा हूं तो दद्दूल मेरी शक्तियों को तो सेंस कर ही पाएंगे ना। ये देखो यार मुझे तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही यार, धमाधम कर रहा हूँ बस ये दो ट्रकों के साथ, और थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लूँ फिर तो मैं एकदम ज्यादा अपग्रेड हो जाऊंगा। चल 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 हट जा ट्रक यार यहाँ से, इसको उठा के फेंकने दो गाइस यार। चलो इसको तो फेंक दिया, ओ माय गॉड ये देखो गाइस यार मेरा तो पंच मीटर फुल हो गया। और ये देखो यार मैं एक अल्टीमेट हल्क से एक रिवेंजर हल्क बन चुका हूँ, दद्दू हल्क में रेडी हूँ। देखो मैंने मेरा पंच मीटर फुल कर लिया, मैं जल्दी से आ रहा हूँ कॉम्पिटिशन को जीतने। ओए पत्ता जी ठीक है आ जाओ गाइस। ये देखो मैं यहाँ पे दौड़ता दौड़ता फटफट आ गया हूँ दद्दू हल्क के पास। दद्दू हल्क देखो मैंने क्या कर लिया। ओए पुत्तर जी यार तुम एक फोर आर्म वाले रिवेंजर हल्क कैसे बन गए? अरे दद्दू हल्क यार दो हाथ से इनफ पंचिंग की पावर नहीं आती ना, इसके लिए मैं चार आर्म वाला रिवेंजर हल्क बन गया। फाई 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 ये देखो क्या पावर है, एकदम बखरा स्वैग है भाई मेरा, मजा आ जाएगी
जी देखो यार, कौन मुझे कीड़ा बोल रहा था? अरे तू कीड़ा है, कीड़ा रहेगा हमेशा के लिए, कीड़ा है कीड़ा ही रहेगा तू। अरे तू भले ही छोटा वाला रिवेंजर बन गया पर तू कीड़ा ही रहेगा। अरे हाँ कीड़े कीड़े कीड़े। हाँ हाँ तुम अभी सब जन कीड़ा बोल लो, तुम्हारी ऐसी तैसी। गाइस देखो चारों को तो मैंने ना ऐसे ही पहले गिरा दिया था जब मेरी पंच की पावर कम थी। यार ये छोटी सी गाड़ी ने मुझे हरा दिया था पहले, अब देखो यार मैं इस गाड़ी को बताता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस है। ये देखो यार अब तो है ना मेरे को इसको उठाने के लिए कोई ताकत भी नहीं चाहिए। अरे कीड़े ने देखो एक हाथ से उठा लिया, वैसे एक हाथ से नहीं दो हाथ से उठाया, पर ठीक है यार फिर भी यार कीड़ा मत बोलो यार, इतनी आसान है। किसने मुझे कीड़ा बोला? तूने कीड़ा बोला था, तेरे ऊपर मारूंगा मैं। ओए कीड़े मेरे पे मत मार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे किसने और कीड़ा मारा तेरी ऐसी तैसी, ये ग्रीन हल्क भी बहुत ज्यादा बोला था। गाइस देखो यार सारी छोटी छोटी गाड़ियों को तो मैं मेरे दो दो हाथ से उठा पा रहा हूँ, अब अच्छा ना चार हाथ कर लिए वरना मेरे को दो हाथ से उठाना पड़ता। ये देखो गाइस यार ये थोड़ी भारी गाड़ी हो गई, इसके लिए मेरे को चार हाथ लगे इसको उठाने के लिए, पर फिर भी यार देखो चार हाथ की पावर है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब सोच रहा हूँ गाइस छह हाथ कर लिए तो बढ़िया रहता। ये देखो बैटमैन की गाड़ी है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा भारी यार, थोड़ा सा वजन भी अब मुझे महसूस होने लग गया। देखो मेरे थोड़े थोड़े पैर हिल रहे हैं और थोड़ा बैलेंस भी यहाँ पे जा रहा है, पर यार मैंने ये तो ब्लैक रिवेंजर के टकले पे मारूंगा। ये देखो गाइस मैंने क्या कर दिया भाई, ये गाड़ी को मैंने दूसरी गाड़ियों में भेड़ दिया, तो यार यहाँ पे थोड़ा मेरा रास्ता क्लियर हो गया आगे जाने के लिए। गाइस यार ये ब्लैक हल्के सूट की सुप्रीमेसी, और ये देखो इतना बड़ा मॉन्स्टर ट्रक भी मैंने इतनी आसानी से उठा लिया। पत्थर जी यार आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रांग। अरे हाँ दद्दू हल्क अपना पंच मीटर जो भर दिया यार, ये देखो मैं तुम्हें इसको फेंक के बताता हूँ, ये चाइना में मार दिया। अब यार देखो अभी आगे खंजाली टैंक आ रहा है। गाइस यार ये टैंक अब ऐसी बात है इसकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं है, पर ये टैंक पूरा लोहे का बना हुआ होता है ना, इसके लिए इसका वेट काफी ज्यादा भारी हो जाता है, इसके लिए इसको उठाने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पर देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या गाइस, ये देखो यार इसको भी मैंने उठा लिया। अब यार मैं एक फोर आर्म रिवेंजर, उसका बेनिफिट है कहाँ पे गया मुझे? तूने भी कीड़ा बोला था ना, तेरे को तो आज मैं यहाँ से गिरा के मानूंगा। कीड़े तू मुझे नहीं गिरा पाएगा, तू सबको उठा के बता फिर मैं मानूंगा। ओके ओके गाइस अभी वो तो देखते यार, ये देखो यार आगे तो है ना मेरे कारण पटाखे भी फूटने लग गए। मैं इस ट्रक को भी उठा के फेंक दूंगा, ये आयरन मैन का ट्रक है भाई, आयरन मैन से ज्यादा मैं स्ट्रांग हो चुका हूं, उसको तो मैं कॉम्पिटिशन में भी हरा चुका। अरे कीड़े झूठ बोल रहा है, आयरन मैन को तो तू कभी भी नहीं हरा पाएगा, आयरन मैन तो सबका फेवरेट है स्ट्रांगेस्ट है। अरे यार तुम सब है ना आयरन मैन करते रहो, कोई भी अभी ब्लैक हल्क नहीं बोल रहा है, और जब मेरी पावर देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि असली पावर किसके पास है। असली पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, द ओपीएस्ट एंड द स्ट्रांगेस्ट ब्लैक हल्क के पास। गाइस अभी देखो यार तुम भी कमेंट सेक्शन में ब्लैक हल्क लिख दो। अभी देखो यार दो सबसे बड़ी वाली ट्रक बची है, ये वाली ट्रक तो यार इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए उठाना। रुको यार इसको उठा लेता, ये देखो इसको उठा दिए, ब्लैक हल्क के घुटनों पे मारूंगा इसको। अब यार ये बड़ी वाली डंप ट्रक पर यार टोनी स्टार की हेल्प के कारण अपने ट्रेनिंग कर पाए थे। कीड़े इसको तो नहीं उठा पाएगा, बहुत कम उठा पाते हैं, सिर्फ जायंट हल्क इसको उठा सकते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस, देखो मैं इसको उठा लूंगा। अरे कीड़े ने इसको कैसे उठा लिया, कीड़ा तो सच्ची में अब कीड़ा नहीं रहा। अरे हाँ मैंने तो बोला ही था, अभी देखोगे मेरी थ्रो की पावर, ये देखो। गाइस ये क्या हो गया यार, ये ट्रक तो हिली ही नहीं। हे हे हे, कीड़े का पचका हो गया, दद्दू हल्क इसको एलिमिनेट कर दो। नहीं गाइस ये क्या हो रहा है यार, ये ट्रक हिल क्यों नहीं रही यार। ओह नो गाइस, एम आई रियली वीक, मैं सच्ची में कीड़ा हूं क्या? हे कीड़े का पोपट हो गया। गाइस नहीं नहीं नहीं, ये आखिरी मुझे टर्न मिल रही है, मुझे इसको बहुत ज्यादा दूर फेंकना पड़ेगा। ये देखो ओए होए 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 होए, कौन मुझे कीड़ा बोल रहा था, वो तो दो बार अटक गई थी ट्रक, देखो कहां फेंक दिया। ओए पुत्र जी वेरी नाइस वेरी नाइस, देखो यार ये तुमने पूरा ऑब्स्टिकल रोड क्लियर कर दिया है, वेरी नाइस, यू आर नाउ द हल्क का विनर। ओहो गाइस यहां पे विनर हो गया मैं, चलो। अरे पानी में किधर जा रहा हूं, जंप मार के वापस से ऊपर आ जाता हूं। रुको यार ये देखो यहां पे सारा हल्क का स्वानू जो दोटानू सब कुछ खा लूंगा, मजा आ रही है। नम 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 नम। ओह नो गाइस ये देखो यार मैंने ये क्या कर दिया, खुद को देखो इतना ज्यादा अपग्रेड कर गया कि अब मैं बन चुका एक थ्री हेड वाला गोल्डन विंग्स वाला ब्लैक रिवेंजर हल्क। भाई जो भी मुझे कीड़ा बोल रहा था ना, इन सब लोगों को देखो मेरी लेजर मार मार के बताता हूं कांगा। ये देखो यार ये ब्लैक हल्क मुझे कीड़ा बोल रहा था, देखो इसको मैंने लेजर मार दी। ये वाला ब्लैक हल्क भी मुझे कीड़ा बोल रहा था, देखो मैंने इसको भी लेजर मार दी। अरे नहीं कीड़े माफ कर दे, तू कीड़ा नहीं रहा, तू स्ट्रांग हो गया है। हां हां चलो अब सब जन जल्दी से गाइस कमेंट सेक्शन में लिख दो कि फ्रैंकलिन इज द स्ट्रांगेस्ट। अरे हां कीड़े के लिए लिख दो वरना कीड़ा हमको मार देगा। अरे अभी भी कीड़ा बोला तूने, फिर से वापस से लेजर मारूं क्या? अरे नहीं नहीं माफ कर दे कीड़े। गाइस यार आई थिंक इनको तो मुझे कीड़ा बोलने की हैबिट हो गई यार, तुम लोग तो मुझे ओपी फ्रैंकलिन ही बोलना। तो गाइस देखो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी से, और ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है ये भी देखना, ये भी बहुत अच्छा। यार देखो लॉस सैंटोस में ये क्या बीमारी आ गई है, पूरी दुनिया हिल रही है, देखो पूरी जमीन काली हो गई है, क्योंकि यार मैं इतना ज्यादा स्ट्रांगेस्ट जो बन चुका हूं। तो चलो यार मैं मिलूंगा तुम्हें हल्के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।